मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली है क्या? याद रखिएगा, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एक टेबल फॉर्म अरेंज करना शुरू की, और टेबुलर फॉर्म अरेंज करने का मकसद ये था कि हम तमाम एलिमेंट्स को बआसानी समझ सकें, उन्हें पढ़ सकें। तो इस काम में जो आवाज था वो था अलराजी का कॉन्ट्रीब्यूशन, और अलराजी ने जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें पहले तो कैटेगराइज किया कि लिविंग और नॉन लिविंग की बुनियाद पे, मतलब जो जानदार हैं उनकी एक अलग फैमिली, एक अलग ग्रुप तश्कील दिया, और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सांस लेते हैं, खाते हैं, उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया, जबकि दूसरी सब्सटेंसेस को इन्होंने नॉन लिविंग कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे सामने आता है किताब में, वो है डॉबेनियंस का, जिन्होंने लॉ ऑफ प्राइड प्रपोज किया। लॉ ऑफ प्राइड बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ प्राइड ये है कि हर तीन एलिमेंट के सेट में जो सेंट्रल एटम का मास होगा, यानी कि दरमियान वाले एटम का मास होगा, वो बाकी के दो एलिमेंट्स के अर्थमेट मीन के बराबर होगा। ऐसा कहा न्यूलैंड ने, डॉबेनियंस ने, लगे ये लॉस ज्यादा अरसे तक करामत नहीं रह सकता और ये भी फेल हो गया। इसके फेल होने का रीजन ये था कि स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स तक तो डोमिनियर्स का लॉ ऑफ प्राइड एप्लीकेबल रहा, मगर बाद के जो एलिमेंट्स थे उनके लिए लॉ ऑफ प्राइड एप्लीकेबल नहीं था। इसके बाद एक बड़ी मेहनत की गई, एक और साइंसदान सामने आए, और इन्होंने तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया और ये कहा कि हर पहले और आठवें एलिमेंट की, यानी कि फर्स्ट एंड द एट्थ एलिमेंट विल बी हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले और आठवें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम। ये लॉ भी ज्यादा अर्से तक नहीं चल सका और ये भी डिस्क्रिपेंसीज की वजह से फेल हो गया। इसका पहला मेजर पॉइंट ये था कि न्यूलैंड ने नॉबल गैसेस या आइडियल गैसेस की पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं रखी। इसके बाद फिर मुख्तलिफ साइंसदान आते रहे और मुख्तलिफ अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस देते रहे, लेकिन बाकायदा पहली जो टेबल हमें नज़र आती है वो मेंडीव्स के दौर में नज़र आई, और मेंडीव्स ने अपनी टेबल को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट्स, लेकिन ये टेबल भी ज़्यादा अर्से तक नहीं चल सकी। और फिर फुल एंड फॉल अभी मोस्टली एक साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद एक न्यू टेबल अरेंज हुई जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्योंकि इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, याद रखिएगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। पहले तो ये बात कि ये जो टेबल है ये अरेंज की गई किस बुनियाद पर, on the basis of their atomic numbers। मतलब साइंसदान ने ये कहा कि सबसे पहले वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर छोटा है वो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में रखे, और फिर आहिस्ता दर आहिस्ता जैसे जैसे एटॉमिक मासेस बढ़ते चले गए, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर्स बढ़ते चले गए, इन्होंने उसे पीरियोडिक टेबल में जगह जो है वो अलॉट की। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली डिजाइंड on the basis of atomic numbers, atomic numbers की बुनियाद पर इसे classify किया। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले वो एलिमेंट्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर कम होगा, और फिर उसके बाद उससे बड़ा एटॉमिक नंबर, फिर उससे बड़ा एटॉमिक नंबर, फिर उससे बड़ा एटॉमिक नंबर। इन शॉर्ट ये कि फर्स्ट एटॉमिक नंबर होना चाहिए 1, उसके बाद एलिमेंट एटॉमिक नंबर 2, फिर एटम का एटॉमिक नंबर 3, फिर एलिमेंट एटॉमिक नंबर 4। इस तरह से इन्होंने तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने से पहले हमें कुछ बातें, कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, और वो टर्मिनोलॉजीज है सबसे पहले पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज का एक खास इंटरवल के बाद, एक खास गैप के बाद सेम हो जाए। मतलब ये कि पहला एलिमेंट और उसके बाद दूसरा एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, मगर पीरियोडिक टेबल में एक हमें खास
गैप एक खास इंटरवल नजर आता है एंड दैट पर्टिकुलर गैप दैट पर्टिकुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिसिटी. सो आई रिपीट विद एन एग्जांपल कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो कि आपकी किताब में पेज नंबर 64 पर है, तो अगर आप देखें तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल ऑफ ग्रुप नंबर 1A इज लिथियम, कैन बी सिंबलाइज्ड एज Li. लिथियम और इसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है इसी ग्रुप का दैट इज सोडियम, लेकिन लिथियम और सोडियम तक जाते हुए एक हमें पर्टिकुलर गैप एक खास वक्फा एक इंटरवल नजर आता है एंड दैट इंटरवल दैट पर्टिकुलर गैप इज कॉल्ड पीरियडिसिटी. अब वो गैप क्या है, जैसे लिथियम के बाद आपको एलिमेंट मिलेगा पीरियड नंबर 1 में लिथियम के पीरियड नंबर 2 में लिथियम के बाद बेरिलियम फिर बोरॉन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास सोडियम. तो लिथियम से लेकर सोडियम तक आने में जो एक गैप आया है दैट पर्टिकुलर गैप इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिसिटी. ग्रुप्स किसे कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल रॉज इन द पीरियडिक टेबल, हॉरिजॉन्टल रॉज पीरियडिक टेबल के अंदर. याद रखिएगा इफ यू आर गोइंग और इफ यू आर विलिंग टू स्टडी द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल रॉज इट मींस वी आर स्टडीइंग द ग्रुप्स एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स. Like let's suppose the elements of group number 1A. Group की बात करें horizontal rows. Group 1A में elements आपको इस तरह से arrange करेंगे, पहले होगा lithium, sodium, potassium, then rubidium, cesium और फिर francium. जबकि periods की अगर हम बात करें तो first period में elements होंगे हमारे पास lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. इसके बाद fluorine और फिर element आएगा neon. फिर सोडियम, फिर दूसरे एलिमेंट्स जो है वो दूसरे पीरियड के अंदर आ जाते हैं. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल रॉज पे स्टडी कर रहे हैं तो इसमें भी स्टडी का एलिमेंट्स द ग्रुप्स, और अगर हम वर्टिकल कॉलम्स पे स्टडी कर रहे हैं इसमें वी आर स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड्स. तो ग्रुप्स की तादाद याद रखने की बात है यहाँ पर जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. There are total 8 groups in the modern periodic table, while there are total 7 periods in the modern periodic table. So I can ask you the question in a way that how many groups are there in the modern periodic table? So the answer is 8. And how many periods are there in the periodic table? So the answer is the 7. बहुत अहम जो पॉइंट है यहाँ पर ग्रुप में लिखा हुआ है. ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ग्रुप नंबर हमें ये बताता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है. ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे आप इस तरह से याद रखिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप वन की तो उसका मतलब तमाम एलिमेंट जो कि ग्रुप वन में होंगे, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो रुबिडियम हो, सीजियम हो या फ्रांसियम हो, उन तमाम एलिमेंट्स के पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होगी. इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एटम्स के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होगी. ग्रुप नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 होगी. ग्रुप 4 में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4, ग्रुप 5 में 5, ग्रुप 6 में 6, ग्रुप 7 में 7 और ग्रुप नंबर 8 में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. This point explains that the elements share the similar chemical properties are placed in similar groups. वो elements जिनकी chemical properties same हैं, हमने उन्हें एक ही group में place किया है. जैसे अगर तुम देखो group number 1 में जितने भी elements, 7 elements हैं hydrogen को include करके, तो इन सातों एलिमेंट्स की chemical properties same होंगी. Chemical properties से क्या मुराद कि इनके outermost shell में एक electron, इनकी एटॉमिक वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होंगी, इनके आयनाइजेशन एनर्जीज सेम होंगी, इनका रेडियस मुख्तलिफ हो सकता है, मगर इनके पास इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैल्यूज या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एनर्जीज मौजूद हैं. सो द एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप रिसेंबल्स द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. आई रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, इस पर हम बात या डिबेट नहीं कर रहे.
एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं, मगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो ऐसा होना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो मैं रिव्यू कर लेता हूँ इन तमाम बातों को। पीरियडिसिटी को मैं किस तरह से डिफाइन करता हूँ कि हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज का सेम हो जाना है, लेकिन एक खास गैप के बाद और वो जो वक्फा आता है, वो जो गैप आता है, वो जो इंटरवल आता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। हॉरिजॉन्टल रॉस की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें वी आर स्टडिंग द ग्रुप्स एंड देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी तरह अगर हम पीरियड्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स की एंड देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।